है। तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज समापन हुआ। हंगामेदार रहा आज आखिरी सत्र, हंगामेदार रहा। नई सरकार के साथ सत्र का आगाज किया गया। कई मुद्दों पर सरकार गिरती नजर आई, तो वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया, क्योंकि विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए गए कि विपक्ष को बोलने का समय नहीं दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मुद्दों पर सरकार गिरी, विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए, लेकिन उसी के साथ वॉकआउट करने की खास वजह ये भी बताई गई कि बोलने का मौका विपक्ष को नहीं मिला है, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस आज आखिरी दिन में सत्र के ना तो मुख्यमंत्री मौजूद थे, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी मौजूद नहीं थे, और उसी को देखते हुए विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, जिसको देखते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया गया। तो तीन दिवसीय सत्र में आज का दिन आखिरी दिन था, और उसी के साथ काफी हंगामेदार भी रहा। हालांकि सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार रही और उसी के साथ समापन भी काफी हंगामेदार रहा। सरकार पर विपक्ष की ओर से कई सवाल जो है किए गए थे, जिस पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी तमाम बड़े काम है जिनको ना करने के भी जो है आरोप लगाए गए हैं, और उसी के साथ कई और मुद्दों पर भी सरकार गिरती नजर आई। वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है, और वॉकआउट करने की सबसे खास वजह यही बताई गई कि विपक्ष को बोलने का समय नहीं दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।